सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो सेवर्ट के नियम के बारे में। बायो सेवर्ट नियम क्लास ट्वेल्थ और पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर यानी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। बायो सेवर्ट नियम जब भी पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है और इसका कंप्लीट डेरिवेशन करके दिखाना होता है, उसमें कुछ थ्योरी का पार्ट लिखना होता है। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में दिखाएंगे और आप सभी को फेल के साथ बताएंगे कि बायो सेवर्ट नियम किस तरीके से है और इसका क्या डेरिवेशन होने वाला है और इसको आप किस तरीके से प्रूफ कर पाएंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और जितने भी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के लिए कि आप सभी के लिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। प्लेलिस्ट में बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। जैसे ही आएगा आप सभी देखिएगा, 35 से 40 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आप सभी को वन बाय वन दिखा दूंगा, जिससे आप सभी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को बहुत ही आराम से कर पाओ। क्योंकि आप सभी के 50 नंबर में से आप सभी के 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपका 3-3 टॉपिक 3-3 क्वेश्चंस दिया होता है, तो उसको आप सभी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो 5-5 नंबर वालों के ऊपर फाइट करना जरूरी है। इसके लिए मैं आप सभी को पर्टिकुलर एक छोटी छोटी सी वीडियो बना करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है, समझने की कोशिश करिए। तो बायो सेवर्ट का नियम क्या कहेगा, इसको एक छोटे से लाइन के माध्यम से समझेंगे और अगर आपसे सभी से एग्जाम में पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से आप सभी लिखिएगा। तो बायो तथा सेवर्ट दो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपस में मिलकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं क्या उन्होंने किया, ठीक है। करंट कैरिंग वायर ले लिया, ठीक है। सपोज करो इसकी जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एक्स वाई हमने रख लिया और इसमें हमने क्या करा कि धारा आई प्रवाहित कर दिया। जब किसी भी करंट कैरिंग वायर यानी धारावाही चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने अपना एक नियम दिया है जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। और वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को जो फार्मूला होगा वो क्या होगा उसको मैं आगे डिराइव करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बायो तथा सेवर्ट के नियम का डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। करंट कैरिंग वायर को पहले हम एक बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से करंट कैरिंग वायर होगा और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही होगी और इसे हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। जब इसमें धारा आई प्रवाहित कर दिया गया तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम किसी भी बिंदु पर माप सकते हैं। तो सपोज करो हम यहाँ बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो जो बिंदु P लिए हैं तो ये आपका करंट कैरिंग वायर जो है इसके बीच की जो डिस्टेंस सॉरी एंगल होगा वो होगा थीटा और जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा आर। इसे हमने मान लिया, इसमें कोई मानने बड़ी बात नहीं है, समझ सकते हैं आप कि इनके बीच का एंगल थीटा होगा। अगर हम डिस्टेंस को आर से डिनोट करें तो वो आर हो गया, ठीक है। अगर हम जो ए बी है इसकी लंबाई को अगर हम डेल एल से डिनोट करें, ठीक है, डेल एल मान लो आप या डीएल मान लो, ठीक है, जिसमें हमने धारा प्रवाहित करा, तो ये कंप्लीट फिगर होता है आपके बायो सेवर्ट नियम। इसी फिगर को देख करके आप तुरंत इसका डेरिवेशन कर दोगे। कैसे करोगे समझने की कोशिश करते हैं। बायो सेवर्ट का नियम यह कहता है कि आपके बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यह आपका अनुक्रमानुपाती होगा जो करंट कैरिंग वायर है इसके लंबाई के, ठीक। करंट कैरिंग वायर की लंबाई को हमने डेल एल से डिनोट करा है, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। दूसरा, हम बायो सेवर्ट के नियम में बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपके धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। बायो तथा सेवर्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में बताया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तीसरा हमारा है कि बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ठीक है, जो इसके धारावाही चालक तार के बीच की जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई के बीच जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, उसको हम साइन थीटा लेंगे या कॉस थीटा, तो साइन थीटा लेंगे क्योंकि हमें हमेशा मैक्सिमम की तरफ जाएंगे और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो हम ऑब्वियसली साइन 90 लेंगे, ठीक है। तो यहां पर थीटा की बात करेंगे पहले, तो 90 की बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, साइन थीटा के, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड मिल गया। चौथा, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ठीक है, वो धारावाही जो चालक तार है इसके बीच की जो दूरी आर है इसके आपके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² वर्ग के, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 मिल गया, ठीक है।
अब इसी इक्वेशन के सहायता से आप सभी बायोसेवर्ट का डेरिवेशन कंप्लीट कर दोगे। किस तरीके से? इनको आपस में मिला दो, ठीक है, इनको आपस में मिला के बताओ क्या होगा। बी प्रोपोर्शनल आई लिख लो, पहले डेल एल लिख लो, साइन थीटा लिख लो, अपान में आर स्क्वायर लिख लो, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अभी एक क्वेश्चन नंबर 5 बना लो। इतने में तो कोई दिक्कत आई आप सभी को? कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं आई। अब आप सभी को पता है जब आप सभी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, ठीक है, तो क्या आता है? कोई एक कॉन्स्टेंट आता है, कोई एक नियतांक आता है। तो क्या नियतांक होगा यहाँ पर? होगा वो म्यू जीरो अपान 4 पाई, ठीक है, फिर उसके बाद आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो गया, जिसे हम प्रूव्ड लिख दे रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जिसे हम आप सभी के सामने प्रूव्ड लिख दे रहे हैं। यही आपका बायो सेवर्ट का नियम हो गया और यही आपका 5 मार्क्स देकर जाएगा आप सभी को। इस तरीके से आप अगर प्रूव कर देते हैं, ये म्यू जीरो अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसे हम निरपेक्ष पारगम्यता कहते हैं, ठीक है, आपका निरपेक्ष पारगम्यता, इसे हम एक नियतांक के तौर पर देखते हैं, ठीक है। ये फाइनल बायो सेवर्ट का नियम था, एक बार फिर से देख लो लगे हाथ हल्के से, ठीक है। करंट कैरिंग वायर ए बी लिया, जिसकी जो लंबाई है, छोटी सी लंबाई को डेल एल से डिनोट करा, ठीक है। जब किसी करंट कैरिंग वायर में अगर हम जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, तो किसी एक बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट का नियम यूज करते हैं। तो बिंदु पी पर सपोज करो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो बिंदु पी से आपके करंट कैरिंग वायर से हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस थी वो आर है, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल बना वो थीटा है। धारा आई प्रवाहित हो रही है, डेल एल लंबाई है, बीच का एंगल थीटा है, और जो आपका जहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी है आर, ठीक है। आपका जो धारा है वो आई, धारा आई जो है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है, लंबाई जो है आपके करंट कैरिंग वायर की वो डेल एल वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है, और जो बीच का एंगल है साइन थीटा वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है, जो लेकिन आर है वो व्युत्क्रमानुपाती है स्क्वायर के, आर स्क्वायर के। उन सबको मर्ज कर दिया, उसके बाद नियतांक एक आ गया जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, यही आपका फाइनली बायो सेवर्ट का नियम है। मुझे नहीं लगता कि आप सभी को अभी कोई दिक्कत आने वाली है, और इसी तरीके की अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ मिलाते रहेंगे। तो चैनल पर विजिट करें तो सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।